हेलो फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप सब लोग और अभी बज रहे हैं शाम के साथ तो जो है निक्कू है नहीं अपने पापा के साथ गया हुआ मार्केट और यहाँ पर आप देख सकते हैं टिक्कू हमारा कर रहा है काफ़ी मस्ती तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ ये फ़ोटो है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टिक्कू हमारे काफ़ी खेल रहे हैं इस फोटो से तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ ये फ़ोटो जो है मैंने निक्कू टिक्कू के बर्थडे पर बनवाया हुआ था ये फ़ोटो जो है काफ़ी टाइम से ऐसे ही रखा हुआ है तो अभी इसको जो है टांगने की जगह नहीं मिल रही है आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फोटो कैसा लगा है और कुकी तो काफ़ी पिक्चर्स नहीं पर टिकू कोई भी पिक्चर्स नहीं थी इसलिए मैंने दोनों भाइयों की जो है साथ में बनवाई थी तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी है और इसकी जो आप क्वालिटी भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है जो बरसात में भी ये जो है ख़राब नहीं होगी इसको कौन सी शीट बोलते हैं ये तो मुझे अभी नहीं पता है और यहाँ पर अभी बज रहे हैं रात के आठ तो यहाँ पर आज रात के डिनर में बनाऊंगी मैं एग करी तो मैंने एग को बॉईल होने के लिए रख दिया है और जब तक मेरे यहाँ पर एग बॉईल होते हैं तो मुझे जो घी निकालना है तो मैं वो निकाल लेती हूँ मलाई से तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कम से कम आठ से दस दिन हो चुके हैं मुझे सोचते हुए पर आज मैंने सोचा है कि आज मैं मलाई का घी ज़रूर निकाल लेती हूँ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ निक्कू टिक्कू के बर्थडे के बाद से ही मुझे घर के काम से कभी फुर्सत ही नहीं मिल पा रही है मेरा दिन ऐसे ही निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है कब सुबह होती है और काम करते करते कब रात हो जाती है तो यहाँ पर आज मैंने सोचा है कि मलाई का घी जरूर निकाल लेती हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं थोड़ा यहाँ पर टी वी देख रही थी क्योंकि यहाँ पर मेरा फेवरेट सीरियल चल रहा था यहाँ पर आप देख सकते हैं एक गैस पर मैंने जो है मलाई का मक्खन से घी बनने के लिए रख दिया है और साथ में ही यहाँ पर हो चुके हैं मेरे एग बॉयल तो इन एग को मैं थोड़ा सा ठंडा करके इनके छिलके उतार दूंगी तो बॉयल एग के छिलके हैं जो काफ़ी आसानी से निकल जाते हैं और साथ में ही यहाँ पर अब मैं गैस पर जो है एक कढ़ाई चढ़ा देती हूँ तो इसमें मैं बनाऊँगी सब्जी तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड कर दिया है तो सर्दियों के मौसम में हम सरसों का तेल ही खाते हैं और साथ में ही यहाँ पर मैं कुछ लहसुन की कलियों को छील लेती हूँ और यहाँ पर जो है लहसुन की कलियों को मैं हमेशा कूट कर ही ऐड करती हूँ मैं कभी काटती नहीं हूँ और इसके बाद तीन से चार प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया है तो जो प्याज थे थोड़े छोटे छोटे थे तो प्याज के पेस्ट को मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया है और साथ में ही यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी मैंने गुनगुना होने रख दिया है क्योंकि मलाई के बर्तन जो चिपक जाते हैं वो छूटते नहीं हैं में ही मैंने यहाँ पर जो है एक टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर दिया और साथ में ही कुछ सूखे मसाले ऐड कर दूंगी तो मैंने धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर गरम मसाला और नमक ऐड कर दिया है और जब तक हमारा यह मसाला भुनता है तो मैंने जो अंडे बॉईल करके रखे हुए हैं तो उनको मैं चार चार पीस में कट कर लूँगी और चार पीस में कट करने के बाद फिर जो मलाई के बर्तन हैं उनको मैं साफ़ कर लेती हूँ तो पानी मेरा गर्म हो चुका था क्योंकि अभी सर्दी है तो जो है मलाई के बर्तन अच्छे से क्लीन नहीं होते हैं तो इसलिए मैं उनको गर्म पानी से ही साफ़ कर रही हूँ बर्तन भी क्लीन हो चुके हैं और साथ में ही जो मैंने घी बनने के लिए रखा था तो वो मैंने प्लेट से ढक दिया था और यहाँ पर मसाला भी मेरा भुन चुका है तो उसमें मैंने एक गिलास पानी ऐड कर दिया है और साथ साथ में ही मेरा जो घी है पकता जा रहा है और इसके बाद मैं इसमें जो मैंने एग काट के रखे हैं उसको ऐड कर दूंगी तो यहाँ पर मैं इसको होने देती हूँ बॉईल और इसके बाद मैं जब तक यहाँ पर मेरी सब्जी और घी बनता है तो तीसरी गैस पर मैं सेक लेती हूँ रोटियाँ तो यहाँ पर मैं बता दूँ काफ़ी लोग मुझसे कमेंट्स करके कहते हैं कि आप सेल्फ पर रोटी क्यों बनाते हो तो मैं बता दूँ मैं यहाँ पर जब शादी करके आई हुई थी तो मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ और मेरी जेठानी है जो सेल्फ पर ही रोटियां बनाती थी तो मुझे यहाँ पर आके जो है सेल्फ पर ही रोटी बनाने की आदत पड़ गई है तो इसलिए मैं सेल्फ पर ही रोटियां बनाती हूं खाना यहाँ पर मेरा बन चुका है और इसके बाद ही हम सब लोग यहाँ पर खा रहे हैं खाना और साथ में ही देख रहे हैं टीवी यहाँ पर खाना खाने के बाद जो घी मेरा बन गया था तो मैंने उसे ढककर रख दिया था और ये अभी थोड़ा सा ठंडा हो चुका है तो इसको मैं छानकर जो है एक कैन में रख रही हूँ तो यहाँ पर जो है मैंने घी को छान दिया है तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर कम से कम पंद्रह दिन की मलाई से मेरा जो है आधा के जी घी आराम से निकल जाता है हेलो फ्रेंड्स तो गुड मॉर्निंग और कैसे हैं आप सब लोग और मैं आपको बता दूं कि मैंने की है कुछ शॉपिंग तो इस बार मैंने अपने लिए नहीं ना ही अपने निको टिक्को के लिए मैंने की है इस बार अपने मिस्टर के लिए शॉपिंग क्योंकि रिलायंस स्मार्ट में अभी जो मेंस पर काफ़ी अच्छे ऑफर चल रहे थे तो फिफ्टी परसेंट ऑफ चल रहा है वहाँ पर तो मैंने की है वहाँ से अपने मिस्टर के लिए शॉपिंग तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ ये इतनी शॉपिंग है जो मैंने उनके लिए की है तो मैं अपने लिए और बच्चों के लिए तो शॉपिंग करती ही रहती हूँ पर इस बार जो है मैंने मिस्टर के लिए भी काफ़ी शॉपिंग की है और कभी कभी हमें उनके लिए भी सोच लेना चाहिए तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने उनके लिए क्या क्या लिया है मैं दिखा दूँ आपको एक शर्ट मैंने ये ली है तो इसका कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा था तो एक शर्ट ये है और ये मैं आपको दिखा दूँ ये है ट्रिपल नाइन की तो ये फिफ्टी परसेंट पर मुझे फोर नाइन नाइन की पड़ी है और साथ में ही मैंने दिखा दूँ एक शर्ट मैंने ये ली है तो ये मुझे काफ़ी पसंद आई है उसका कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है और ये जो है जीन्स का लुक दे रही है तो ये शर्ट काफ़ी पसंद आई थी और यहाँ पर मैं दिखा दूँ ये है चौदह सौ निन्यानवे की तो ये भी मुझे फिफ्टी परसेंट पर पड़ी है इसके बाद दिखा दूँ एक शर्ट मैंने ये ली है पर मैं दिखा दूँ आपको एक शर्ट मैंने ये ली है तो इसका कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है और इसका फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है और साथ में ही मैं दिखाऊं तो ये भी है ट्रिपल नाइन की तो ये भी फिफ्टी परसेंट में मुझे फोर नाइन्टी नाइन की पड़ी है तो इसका कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है साधु सबसे ज़्यादा पसंद मुझे ये शर्ट आई है ये काफ़ी अच्छी लग रही है और इसका कपड़ा और फैब्रिक काफ़ी अच्छा है काफ़ी सॉफ़्ट है और कॉटन की है ये हंड्रेड परसेंट तो ये शर्ट मुझे बहुत पसंद आई उसका कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है और ये भी दिखा दूँ मैं आपको है चौदह सौ निन्यानवे की तो ये भी फिफ्टी परसेंट पर ही है दिखा दूँ जितने भी कपड़े हैं मैंने सारे फिफ्टी परसेंट ऑफ पर ही लिए हैं तीन जीन्स ली हैं तो मैं तीनों के कलर दिखा देती हूँ आपको तो एक जीन्स मैंने ये ली है तो यहाँ पर देख सकते हैं एक जीन्स मैंने ये ली है और ये है सत्रह सौ निन्यानवे की तो ये भी फिफ्टी परसेंट ऑफर पर ही है और इसका कलर मुझे काफ़ी पसंद है इस कलर की जीन्स मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं और इसके बाद दिखा दूँ एक जींस मैंने ये लिया है तो इनके जितने भी जीन्स हैं सारे के कपड़े काफी अच्छे हैं कलर मैंने ये लिया है तो ये भी काफी अच्छा है और ये मैं आपको दिखा दूँ ये भी ग्यारह सौ निन्यानवे का है तो ये भी मुझे फिफ्टी परसेंट ऑफ में मिला है लास्ट में भी दिखा दूँ तो एक जीन्स मैंने ये खरीदी हुई है तो ये भी आप देख सकते हैं चौदह की है तो ये भी फिफ्टी परसेंट ऑफर है और तीनों ही जीन्स के फेब्रिक काफी अच्छे हैं और काफी अच्छे कपड़े हैं तो इस बार तो जो जितनी भी शॉपिंग है मैंने सारी अपने मिस्टर के लिए की है तो क्योंकि बर्थडे के बाद से मुझे बिल्कुल भी टाइम मिल पा रहा है मेरा दिन काफी बिजी निकल रहा है कब सुबह हो जाती है कब रात हो जाती है मुझे नहीं पता चल रहा है क्योंकि काम ही इतना सारा है घर में तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी यह शॉपिंग कैसी लगी और आज के इस ब्लॉग को करती हूं मैं ही पर एंड और अगर आपको आज का मेरा यह ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिएगा मैं फिर से मिलती हूं एक नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए टेक केयर Bye.